हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किसी पार्टी को कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आप लोगों ने भी सुना होगा कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया है। फ्रेंड्स, साथ ही चुनाव आयोग ने एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी से नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। अब हमारे देश में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। फ्रेंड, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक दल से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। फ्रेंड, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी तब बनती है जब उसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट मिले। फ्रेंड्स, आपको भी मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा में 6% से भी ज्यादा वोट शेयर मिले थे। इसके बाद गुजरात में करीब 13% वोट शेयर मिले थे। फ्रेंड्स, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना जरूरी है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं। फ्रेंड, देश में 3 तरह की पार्टियां हैं। फ्रेंड, राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। फ्रेंड, 4 अप्रैल 2023 से पहले भारत में 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, जबकि राज्य स्तरीय दल 35 और क्षेत्रीय दलों की संख्या करीब 350 थी। फ्रेंड, हमारे संविधान में किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। अगर कोई पार्टी इन शर्तों को पूरा करता है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। फ्रेंड, कुछ 3 शर्तें हैं। फ्रेंड, इन में से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। फ्रेंड, जानते हैं वह 3 शर्तें कौन सी है। फ्रेंड, पहली शर्त, अगर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है। दूसरी शर्त, फ्रेंड, अगर किसी पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तीसरी शर्त, फ्रेंड्स, अगर कोई पार्टी लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में से जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। फ्रेंड, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से पार्टी को कुछ फायदे भी मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती है। राष्ट्रीय पार्टियों को नेशनल मीडिया पर फ्री एयर टाइम मिल जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। फ्रेंड, राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल 1 प्रस्तावक की जरूरत होती है, अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए। फ्रेंड, अभी आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, और अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं इस बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एडवोकेट रीमा झा।